कश्मीर के बड़गांव में सीआरपीएफ के जवानों के साथ की गई बदसलूकी के वीडियो से देश भर में नाराजगी है। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तस्वीरों के जांच के आदेश दिए और अब इस मामले में एक केस भी दर्ज हो गया है। एबीपी न्यूज के वायरल सच का असर। सीआरपीएफ के जवानों के साथ कश्मीर के बडगाम में हुई बदसलूकी के इस वीडियो को देखकर देशवासियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो को देखकर क्रिकेटर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग भी आग बबूला हो गए। आईपीएल खेल रहे गौतम गंभीर ने ट्वीट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया है। हमारी सेना के जवानों को मारे एक एक थप्पड़ के बदले 100 जिहादी मारे जाएंगे। जो भी आजादी चाहते हैं वे यहां से चले जाएं, कश्मीर हमारा है। गंभीर के ट्वीट के बाद उनके साथी खिलाड़ी और टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी जवानों के साथ हुई इस घटना की कड़ी निंदा की है। सहवाग ने लिखा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे सीआरपीएफ जवानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। इसे रोकना होगा, बदतमीजी की हद है। ये वीडियो 9 अप्रैल का है, जिस दिन श्रीनगर में उपचुनाव था। सीआरपीएफ जवान चुनाव ड्यूटी खत्म कर लौट रहे थे, तभी कश्मीरी युवकों ने उनके साथ बदसलूकी की। डीजी सीआरपीएफ से बात हुई है, उस अभी वीडियो को हम दिखवा रहे हैं। सीआरपीएफ इस वीडियो के सामने आने के बाद आरोपी युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। Process of law will take its course, that we will ensure that the men don't lose their morale. सीआरपीएफ सूत्रों के मुताबिक पैलेट गन के विवाद के बाद से जवानों को संयम बरतने की हिदायत दी गई है। इसी वजह से सीआरपीएफ जवानों ने संयम बरता। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।